अब इन्होंने इख्तलाफ मेरा और इनका जो अब तक तो मेरे और गाता समझो अब हमारा जो नजरिया है कि इमाम के पीछे करार करने इंशाअल्लाह सूरह फातिहा इमाम और मुक्तदी और अकेला सबके लिए जरूर सब जानते हैं। हम इनके दलाल पेश करेंगे क्योंकि बराशर फातिहा के नमाज किसी की भी नहीं होती, चाहे इमाम हो, चाहे मुक्तदी हो, चाहे अकेला हो। इनके मुतालबा पर नीज मुक्तदी अगर इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़े तो नमाज नहीं होगी। नीज में पहली बात भी है और अगली बात भी, हालांकि इख्तलाफ किनका मेरा और आप इस नील वाले मसले असल में बात यह है, मैंने लिख दिया है, अब मौलाना किरात किरात कर रहे हैं। अब मैं कहूँगा फातिहा भी लिखे और साथ ये भी लिखे मेरी तरह, जितना मैंने वजह की है आपसे लिखवा चाहता हूँ और लिखवा के रहूंगा इंशाल्लाह कि अगर ईमान के पीछे मुक्तदी भी सूरह फातिहा पढ़ ले तो उसकी नमाज बादल हो जाएगी, नहीं होगी। इन्होंने मैंने जो कहा था इमाम के पीछे कराते करात नहीं करना चाहिए, वाइन का मुतालबा था उस फातिहा का, उस फातिहा का मैंने लिख दिया इमाम के पीछे कराते फातिहा नहीं करना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला राशिद साहब शरीफ परिवार में सदर मुलाजिम जो मौलाना मोहम्मद साहब है गुजारिश से इंदिरा मैं गुजारिश है कि हजरत साहब ने गुस्से जा के कूफे का नाम लिया
मौलाना ने तकबीर का जिक्र कर दिया था, जैसे भी कह सकते हैं अंग्रेज के पीछे गल है कि ना असा कलमा अंग्रेजा ना पढ़िया तो ना खूफिया ना पढ़िया, असा ने कलमा पढ़िया नबी पाक पढ़िया लिखिया था वाले ना अंग्रेजी का, चलो झट आराम कर लें सह लै लें तो पहला गल की मौलाना राशिद साहब तशरीफ फरमा ने हजरत हाफिज साहब ने बात फरमाई है कि जेड़ा मुक्तदी है ना वो इमाम के पिछे, क्योंकि मुक्तदी वो कहने उन्होंने जरा इमाम के पिछे हो गया कि इन्हें दोस्तों बनाया से वो भी निकल गया। साडा ये अकीदा है नजरिया है भी अगर वो इमाम के पिछे सूरत फातिहा नहीं ना पढ़ता जिमें इमाम पढ़ता है इवें उन्हूं पढ़नी चाहिए, अगर वह सूरत फातिहा नहीं पढ़ता तो ओदी नमाज नहीं होती। मौलाना राशिद साहब क्योंकि सदर मना रहे वह भी और इन्नी बात करते हैं कि अगर मुक्तदी इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ लै तो ओदी नमाज नहीं होती। बात पहली रखो किरात वाले पास ना हो, किरात का मामला हो रहे मसला अगर सूरत फातिहा दे ते किरात दा रोल ही कोई समझ आ गई। मौलाना ये फरमा दे असीं ये कहिंदे इमाम अगर सूरत फातिहा नहीं अब मुतली सूरत फातिहा नहीं पढ़ता ते ओदी नमाज नहीं होंदी, ये फरमा दे अगर पढ़ता है ते ओदी नहीं होंदी, मसला खत्म हो गया। ये गल कर दे तां ते हो जी ये तो लंबी गल है ही नहीं। हुण तक वक्त इसे पे ही चलता जा रहा है कि आया झगड़ा किस बात पे, साड़ी तरफ कोई मुतालबा थी बतौर नमूना की किताब भी दिखाई कि आज तक जितनिया भी किताबा इस इख्तलाफी मसले से लिखिया गई ने उन्होंने अंदर साफ लफज मौजूद है कि वजूब अल-फातिहा दे खल्फ अल-इमाम असल झगड़े इस पे दी किताबा तकरीबन मेरा ख्याल है मौलाना किसी शायद एक किताब भी उन्होंने ऐसी याद ना हो इस मसले पे किताब लिखी गई हो और सरे वर्क उत्ते खल्फ अल-इमाम दा लफ ना आया हो कितनी पईयां ने नजर आ दी किताबा हर एक इहदे उत्ते खाम खा रौला पाउण वास्ते बार वाले तय हो गए कि चलो मुक्तदी अकेले दी बात विच नहीं इमाम दी बात नहीं हुण झगड़ा सिर्फ रह गया मुक्तदी दे उत्ते फातिहा पढ़नी वाजिब है जरूरी है उहदी क्या हैसीयत है समझो ना। इहदे उत्ते हुण मौलाना साहब उधरों मुतालबा हो रहा साडे मुनाज़र वल्लों कि मौलाना साहब अपना इदावा लिख दें पहली बात नूं कट दें खत्म करन जिहड़ी चीज़ ते इख्तलाफ है कि मुक्तदी पर फातिहा पढ़नी फर्ज है जरूरी है जो भी वो समझदे ने और वह अगर नहीं पढ़ेगा तो उहदी नमाज नहीं होवेगी वह आएगा उधरों दावा जिहड़ा असूल है तरीके का उधरों आएगा दावा फिर इधरों जाएगा जवाबे दावा इस वास्ते वह अपने कहण के मुताबिक अपना दावा लिख के भेजन इधरों जावे दावा चला जाए यार